एपिसोड 799, शैतानी द्वार। जुल्मी ने जैसे ही अंगारों के बीच में खड़े उस इंसान को आवाज लगाई, विक्की ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? अभी जो हमारे पीछे है ना, तेरी ये दहाड़ सुनकर हमारे आगे आकर खड़ी हो जाएगी, फिर बस हम दोनों चिल्लाते रह जाएंगे और यहाँ हमारी आवाज सुनने वाला कोई होगा भी नहीं। ये सुनकर जुल्मी एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला, अरे हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विक्की ने कहा, तभी तो कहता हूँ थोड़ा बहुत दिमाग चला लिया कर, लेकिन तूने तो कसम ही खा रखी है कि तू कभी अपना दिमाग नहीं चलाएगा, अब चल मेरे साथ। जुल्मी बोला, कहाँ जा रहे हो? विक्की ने कहा, अरे देख तो सही कि आखिर वो बेचारा है कौन। इतना कहकर विक्की और जुल्मी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा नजदीक जाने के बाद विक्की बोला, जुल्मी ये तो अपना ध्रुव है। ये सुनते ही जुल्मी चौंक कर बोला, क्या बात कर रहे हो तुम, ये ध्रुव यहाँ क्या कर रहा होगा? इतना कहकर जुल्मी ने जब ध्यान से देखा तो वो वाकई में ध्रुव के कपड़ों को पहचान गया और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ध्रुव यहाँ इन अंगारों के बीच में उस चट्टान पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहिए। विक्की ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जुल्मी और विक्की दोनों ही बड़े बड़े कदमों से ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे। उस पूरे हिस्से में बहुत बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई थी, अगर उनका जरा सा भी पैर स्लिप करता तो वो दोनों सीधा नीचे गिरते और नीचे जाकर कहाँ पहुंचते कुछ पता नहीं चलता। बल्कि ध्रुव जिस चट्टान पर खड़ा था वो चट्टान भी दो हिस्सों में बटा हुआ था और बहुत रिस्की लग रहा था। अगर उसका पैर जरा सा भी अपनी जगह से डगमगाता तो वो सीधे उन अंगारों के हवाले हो जाता। जुल्मी ने विक्की का हाथ कसकर पकड़ रखा था। विक्की बोला, हाथ छोड़कर चलना, देख नहीं रहा है ये जगह दो हिस्सों में बटी हुई है, अगर हम दोनों में से कोई भी जरा सा डिसबैलेंस हुआ तो दूसरे को लेकर ही अंगारों में घुसेंगे, इसलिए हाथ छोड़कर संभाल कर चल। जुल्मी बोला, हमको डर लग रहा है। विक्की ने कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अगर मैं खुद मरूंगा तो तुझे भी अपने साथ इस मौत के कुएं में ले जाऊंगा। जुल्मी मुंह बनाता हुआ बोला, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। इतना कहकर जुल्मी ने उसका हाथ छोड़ दिया। संभाल कर चलते हुए वे दोनों ध्रुव के नजदीक पहुंच गए थे। विक्की ने धीरे से ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ध्रुव। लेकिन ध्रुव का कोई जवाब नहीं आया। विक्की परेशान होता हुआ बोला, ध्रुव तो ठीक तो है ना? लेकिन अभी भी ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस किसी मूर्ति की तरह खड़ा होकर सामने की तरफ देखता रहा। जुल्मी बोला, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? विक्की ने धीरे से ध्रुव को अपनी तरफ घुमाया तो उसने देखा ध्रुव की आंखें बस एक जगह ठहरी हुई थी, वो पलक तक नहीं झपक रहा था। विक्की ने जोर से ध्रुव के दोनों कंधे को पकड़कर हिलाया और चीखता हुआ बोला, ध्रुव होश में आ, क्या हो गया तुझे? इस बार ऐसा लगा जैसे ध्रुव अपनी नींद से जगा हो और वो चौंक कर बोला, हाँ क्या हुआ, कौन है? विक्की बोला, ध्रुव मैं हूँ विक्की। जुल्मी बोला, हम भी है साथ में। जुल्मी क्या हो गया तुमको, कहाँ खोए हुए हो? हम कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमें छोड़कर कहाँ भाग गए थे? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हुए हैं तुम्हें ढूंढने के लिए? ध्रुव जैसे अभी भी उन दोनों की बात को समझ नहीं पा रहा था, उसने बस विक्की और जुल्मी को देखा और उन दोनों के कंधों को छूते हुए कहा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? विक्की बोला, हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुझे क्या हो गया? तू किन ख्यालों में खोया हुआ है और हमें छोड़कर कहाँ चला गया था? ध्रुव ने कहा, सुमेर के पीछे। विक्की इधर उधर देखता हुआ बोला, सुमेर कहाँ है? ध्रुव ने कहा, वो भाग गया, जैसे ही जमीन में दरारें पड़नी शुरू हुई वो भाग गया। ये सुनकर विक्की बोला, वो तो है ही फट्टू, वैसे इस मामले में उसको फट्टू कहना ठीक नहीं होगा, ये तो उसी की बनाई हुई जगह है, तो जाहिर बात है कि वो जानबूझकर ये सब करके भागा होगा। विक्की इतना बोला ही था कि जुल्मी ने कहा, तुम भूल रहे हो ये जगह उसने नहीं बनाई है, अनन्या जी ने क्या कहा था, भूल गए? अनन्या का नाम आते ही ध्रुव बोला, अनन्या, तुम लोगों को अनन्या मिल गई, कहाँ है वो? इतना कहकर ध्रुव इधर उधर देखने लगा। विक्की ने कहा, अनन्या हमें मिली भी और नहीं भी। ध्रुव ने कहा, मिली भी और नहीं भी, क्या मतलब है इसका? विक्की बोला, पहले यहां से निकल फिर बताता हूँ, अगर यहाँ जरा सा भी पैर फिसला ना तो बस हम सीधा अग्नि स्नान कर लेंगे। ध्रुव ने कहा, हाँ चल। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसने एक बार फिर से पीछे पलट कर देखा और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि अब वो आकृति वहां नहीं थी। विक्की बोला, क्या हुआ, चल ना, पीछे क्या देख रहा है? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, चल। ध्रुव, विक्की और जुल्मी चट्टान से आगे बढ़ गए थे, लेकिन अचानक से विक्की ने पीछे पलट कर देखा और वापस उसी जगह पर गया जहां अभी ध्रुव खड़ा था। ध्रुव बोला, अब तुझे क्या हो गया, तू क्यों वापस जा रहा है? विक्की बोला, ये देख जुल्मी, ये चमकती हुई चीज यहाँ भी है, इसी के पीछे चलते हुए हम यहाँ तक आए हैं। जुल्मी बोला,
अरे हाँ, और तुम गौर किए, जहाँ से ये चमकता चीज शुरू हुआ है वहीं से जमीन में दरारें भी फटने लगा है, और वो दरार यहाँ पर खत्म हो गया है। तभी विकी की नजर ध्रुव की नाक पर गई, जहाँ जख्म के निशान थे और खून दिखाई दे रहा था जो कि सूख चुका था। विकी बोला, तुझे ये चोट कैसे लगी? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, बस वो सुमेर के साथ थोड़ी सी हाथापाई हो गई थी तो उस वक्त लग गई होगी। ना जाने विकी के मन में क्या आया, उसने जमीन पर गिरी उस चमकती हुई चीज को अपनी उंगली से उठाया और जैसे ही वो चीज विकी की उंगली में लगी, वो बिल्कुल अपने रंग से बदल गई और एकदम से लाल हो गई। ये देखकर विकी बोला, ये तो खून की बूंदें हैं जो जमीन पर पड़ने की वजह से चमक रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये खून जरूर तेरा ही है ध्रुव। लेकिन ध्रुव ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। विकी बोला, बता ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तेरा ब्लड जमीन पर चमक क्यों रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ध्रुव ने कहा, शायद इस जगह की नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हुआ होगा। जुल्मी बोला, मतलब? ध्रुव ने कहा, ये जगह बहुत नेगेटिव है और यहाँ मेरा खून जो कि पवित्र है उसमें हलचल मच रही है, और यहाँ गिरने की वजह से इस नेगेटिव जगह पर भूचाल आ गया। तुम लोग भूल रहे हो, सिद्ध पुरुष ने अपने खून की बूंद से ही वो दिव्य पेड़ उगाया था और पूरे पाली को एक सुरक्षा कवच में बांधा था। ये सुनकर विकी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्र है भगवान का, अगर हमने इस चीज का पीछा नहीं किया होता तो हम ध्रुव तक पहुंचते नहीं। इसका मतलब जैसे ही ध्रुव के खून की बूंदें इस जमीन पर पड़ी, वो अपनी पॉजिटिविटी की वजह से चमकने लगी। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया। विकी बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ तुझे ये जख्म लगा, वरना तो हम तुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। ध्रुव बोला, अनन्या के बारे में तू क्या कह रहा था? विकी ने कहा, पहले इस चट्टान से उतरे। ध्रुव बोला, हाँ चल। ध्रुव विकी और जुल्मी के साथ उस चट्टान से नीचे आ चुका था। ध्रुव जैसे ही उस चट्टान से नीचे आया, बहुत जोर की आवाज के साथ वो चट्टान कई टुकड़ों में फट गया और उन दहकते हुए अंगारों में समा गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विकी और जुल्मी ने तो अपने कान कसकर बंद कर लिए। जुल्मी घबराता हुआ बोला, ये क्या था? अगर हमें थोड़ा सा और देर हो जाता तो हमारा क्या होता? विकी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, जब तक ध्रुव उस पर खड़ा था वो चट्टान नहीं गिरता, फिकर मत कर, हमें कुछ नहीं होता। जुल्मी ध्रुव की गले लग गया और बोला, तुम तो हमको बचा लिए। ध्रुव बोला, अगर तुम दोनों मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में डाल सकते हो तो मेरे होते हुए तुम दोनों को कैसे कुछ हो सकता है? इतना कहते हुए ध्रुव ने जुल्मी की पीठ पर अपना हाथ फेरा और बोला, अब सब ठीक है, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, और फिक्र मत कर, मैं तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा। बस अब ये सोचना है कि हम इस दुनिया को अंधेरे में डूबने से कैसे बचा सकते हैं। ये सुनते ही विकी बोला, क्या मतलब है तेरा? ध्रुव ने कहा, हम जिस चट्टान पर खड़े थे उसके आसपास जो अंगारे दहक रहे थे वो कोई नॉर्मल अंगारे नहीं थे विकी, और ना ही ये ऐसी कोई जगह है जिसे किसी काली दुनिया से ताल्लुक रखने वाले ने बनाया है। विकी ने कहा, हाँ वो भी तो ऐसे ही कुछ कह रही थी। ध्रुव ने कहा, कौन? अनन्या? विकी बोला, हाँ अनन्या, लेकिन वो अनन्या नहीं थी। उसके बाद विकी ने सारी बातें ध्रुव को बताई, जिसे सुनकर ध्रुव के माथे पर सिलबटे नजर आने लगी। वो गहरी सोच में चला गया था। ये देखकर विकी बोला, तू बता ना, तू क्या कह रहा था? ध्रुव ने कहा, वही जो बहुत पहले हुआ था। विकी अब इरिटेट होते हुए बोला, पहेलियां मत बुझाओ। ध्रुव ने कहा, गिरवर की जगह अब सुमेर लेना चाहता है, ये बात तो हमें पहले से ही पता थी। विकी ने कहा, हाँ तो? ध्रुव ने कहा, तो ये कि एक दरवाजा है। ये सुनते ही जुल्मी इधर उधर देखता हुआ बोला, कहाँ है दरवाजा? जल्दी खोलो और जल्दी चलो यहाँ से। ध्रुव ने कहा, ये दरवाजा शैतानी दुनिया का दरवाजा है, जाना है तुझे? जुल्मी अपना सर पकड़कर बोला, शैतानी दुनिया का दरवाजा? हम समझे नहीं। ध्रुव ने कहा, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच का दरवाजा अब खुलने की कगार पर है, जिससे कि शैतान पूरी तरह से इस पूरे संसार पर अपना कब्जा जमा पाएगा, जिस काम के लिए वो तीनों औरतें बहुत पहले यहाँ आई थी और अब तक कामयाब नहीं हो पाई थी। वो अब अपनी कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। विकी ने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव बोला, हमें किसी भी हालत में अनन्या को ढूंढना होगा, क्योंकि अनन्या के बिना उनका ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तक अनन्या उनके पास है हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमें अनन्या को ढूंढकर उसे यहाँ से निकालना होगा, और सबसे पहले हमें अनन्या को सुरक्षित करना होगा। अनन्या किसी भी हाल में किसी कीमत पर उनके हाथ नहीं आनी चाहिए, तभी उनका साइड वीक रहेगा और हमको अपनी प्लानिंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। विकी ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हमें मिली थी उसके बारे में तुझे क्या लगता है? क्या वो माया थी या कुछ और? ध्रुव बोला, फिलहाल हमें उसके बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो अनन्या नहीं थी, हमारे लिए इतनी जानकारी काफी है। वो क्या थी और क्या नहीं थी, अगर हम उसके बारे में अभी सोचने बैठ जाएंगे तो हमारी अनन्या जहाँ भी है वो मुश्किल में पड़ सकती है।
और सिर्फ अनन्या ही नहीं, सागर और छलावा भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, विकी ने कहा। लेकिन ध्रुव, यहाँ पर तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई किसी को कैद करके रख सके, तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? और ढूंढने से याद आया, कैद में तो चेरी और ठकुराइन भी तो है ना, ध्रुव बोला। अरे हाँ, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हमें उन दोनों को भी यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ करने की जरूरत है जो कभी सुमेर या बंजारन के साथ हुआ करते थे, क्योंकि उनकी कमजोरी हमें तभी पता चलेगी जब उनके दोस्त उनके दुश्मन बनेंगे, विकी बोला। लेकिन क्या ठकुराइन पर विश्वास करना या चेरी पर विश्वास करना सही रहेगा? कहीं ये फिर से हमारी कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, हम जिस सिचुएशन में है ना अभी, हमारे सामने हर कदम पर खतरा है और हर कदम पर रिस्क है, और अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम ना तो आगे बढ़ पाएंगे और कामयाब तो कभी नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हैं ना? इसीलिए क्या होगा क्या नहीं, ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। अभी हमें जो दिख रहा है वो हम करते हैं, ठीक है ना? अब तू ही देख, अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो हमें कैसे पता चलता कि भीतर ही भीतर इतना सब कुछ तैयार कर लिया गया है, विकी बोला। तू शायद ठीक कह रहा है, मैं ही ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा, हम रेडी हैं, जुल्मी बोला। हाँ हाँ, हम भी, ध्रुव मुस्कुरा कर बोला। तो चलो फिर देखते हैं इस जगह में कितना दम है, आखिर ये जगह हमारे दोस्तों को कब तक हमसे छुपा कर रख सकती है।